हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखो, हमने सब कुछ कर लिया। क्या आपके पर्सन के दिल दिमाग में है उनकी हिडन, थर्ड पार्टी आएंगी तो क्या क्या उनकी इंटेंशन रहेंगे, क्या ट्रो फीलिंग रहेंगी। अब हम लोग देखेंगे कि आपके लिए आगे क्या है, फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, रिसीव होने वाली है। इन शॉर्ट, फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, तो ये थोड़ी डीप रीडिंग हम लोग करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए आपको, क्या आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। मैं पहले इन जनरल आपका फ्यूचर कैसा रहेगा देखूंगी, और अगर आप रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो तो मैं वो भी देखूंगी कि रिलेशनशिप में आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, फ्यूचर में तो बड़ा अच्छा आ रहा है आपके लिए। बहुत नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हैं आप, स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, प्यार भी आ रहा है लाइफ में, फैमिली में वो हैप्पीनेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत मतलब एकदम ब्यूटीफुल लाइफ, आपने आपकी लाइफ एकदम ब्यूटीफुली करवट ले रही है गाइस। हो सकता है जॉब में आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, फैमिली लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे, अपने फैमिली के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे, कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, अभी बनाए या फिर शायद आप चले भी जाओ, मतलब एब्रॉड आप चले भी जाओ घूमने, या फिर किसी के लिए हो सकता है एब्रॉड से कोई न्यूज़ आएगी, अच्छी न्यूज़। आप अपने पूरे एक्शन में आ रहे हैं, अपने लाइफ का कंट्रोल पूरे अपने हाथ में ले रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप, ये सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। कोई नई स्टार्ट हो रही है भाई, लव की भी न्यू एंट्री हो रही है लव लाइफ में भी, या फिर यही लव आपके लाइफ में फिर से आए। मैंने बोला ना, न्यू लव लाइफ में एंट्री हो रही। विक्ट्री का एक कार्ड एक्स्ट्रा यहाँ पे आ चुका है। चलो, एक्चुअली मैं 10 कार्ड निकालती हूँ तो इस बार 8 ही निकाले थे, बट यूनिवर्स बोल रहे नहीं जी, आपको तो निकालने हैं 10 से निकालने हैं। देखते और एक निकाल के। जी, कॉन्फिडेंटली कोई स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने काम में, और वहाँ पे भी आपको अबंडेंस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 of chalices, बट इतना होने के बाद भी आपको लगे शायद कि आप कहीं फंसे हुए हैं, शायद किसी का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं, किसी कोई चीज़ आप दिल से विश कर रहे हैं वो आपको मिल नहीं रही है। इतना मिल रहा है बट वो नहीं मिल रहा है जो आप दिल से चाह रहे हैं, बट जितना मिल रहा है उसमें भी आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। क्या चाहिए ना, प्यार मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, बंडनेस मिल रही है, जॉब में सक्सेस मिल रही है, घर बाहर भी घूम रहे फैमिली के साथ, पूरे पूरे कंट्रोल में आ रहे। हो सकता है यहाँ पे आप अपने जैसे सेल्फ कॉस्ट्यूम ग्रूमिंग करें, खुद की स्टाइल बदले, हेयर स्टाइल बदले, कॉस्ट्यूम आप अपना, मतलब आप अगर पहले बहुत ट्रेडिशनल रहते थे तो अभी आप थोड़ा फैशनेबल रहे, खुद में बदलाव लाएंगे आप। देखिए, पेज ऑफ 4 of pentacles, सॉरी, हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं 4 of pentacles। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ डिनोट क्या कर रही है, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद की पावर प्रोटेक्ट करेंगे, खुद की मनी प्रोटेक्ट करेंगे, खुद का सब एनर्जी पावर मनी खुद की प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आपको वो नॉलेज गेन हो चुकी है कि किस तरह से अपनी सारी चीज़ें संभाल के रखनी है। खुद के लिए आप प्रोटेक्टिव बनते हुए दिख रहे हैं, इन शॉर्ट में बोलूँ तो। देखिए, जो रूठा था, किसी ने गलती की थी आपसे, वो माफ़ी मांगेगा आपसे और आपको अनकंडीशनल लव देगा माफ़ी के साथ, क्योंकि मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा। देखिए, आपके लाइफ में कुछ अगर बहुत पेनफुल साइकिल चल रहा था, धोखे हुए थे आपके लाइफ में, कुछ ऐसे चीज़ें, देखिए ये अब रिलेशनशिप के लिए नहीं हो सकता, हो सकता है जॉब में भी ये चीज़ हुई है आपके साथ कि किसी ने आपको धोखा दिया है, कुछ तो ऐसा किसी अपने ने आपके साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, बट अब ये पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है और लाइफ में वो खुशियाँ दस्तक दे रही है जो आप वेट कर रहे थे, वो आपको मिल जानी है।
सिक्स ऑफ एंथम्स को क्लेरिफाई कर रहा है हेरोफेंट। देखिए कुछ तो हो सकता है आप पढ़ने के लिए बाहर जाए, अगर किसी ने पढ़ने के लिए अप्लाई किया है बाहर जाने के लिए तो वो पढ़ने के लिए बाहर जाए। किसी को जॉब लग सकती है फॉरेन से, अब्रॉड से। किसी को मैरिज प्रपोजल मिल सकता है अब्रॉड से, या फिर हो सकता है कोई अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड घूमने जाए। एक नॉलेजेबल विजडम वाले पर्सन आपको मिलने वाले हैं, जो शायद फॉरेन से है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे। सिक्स की एनर्जी बहुत आई है गाइस यहाँ पे, सिक्स की एनर्जी, टेन की एनर्जी, टू की एनर्जी। सिक्स ऑफ फैंस को क्लेरिफाई करते हैं। मैजिशियन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आप, आपको वो मिल जाएगा। ये विक्ट्री सभी राह से होगी, जैसे कि आप जॉब चाहते हैं, आप रिलेशनशिप चाहते हैं, आप कहीं घूमना चाहते हैं, आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो आपको मिल जाएगी। देखिए क्वीन ऑफ पैंट्स का क्लेरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पैंट्स। बाउंड्रीज तो डाली है आपने, क्योंकि अब आप कोई भी निगेटिव चीज़ें, निगेटिव पर्सन अपने लाइफ में फिर से एंटर नहीं होने देंगे। अब आपने बाउंड्रीज डाल दी, ये पॉजिटिव वे में ही मुझे ये सारी चीज़ें लग रही है, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए, अब आपको फिर से कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, ये चीज़ें इसीलिए बाउंड्रीज आप अपने आप के ऊपर डालेंगे आप, क्योंकि एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है इस एनर्जी में। मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस महिला है, तो एक्सपीरियंस आपको हो चुका है पास्ट में, आपने इतने एक्सपीरियंस लिए रिलेशनशिप से हो, जॉब में हो, फ्रेंडशिप से हो, तो अब अपना इस तरह से फिर से किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। इस तरह से आपने खुद के ऊपर अब बाउंड्रीज डाल दी है, पावर में आ चुके हैं आप, कॉन्फिडेंट हो चुके हैं बिल्कुल। किंग ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है एट ऑफ का। आपने इमोशनल विड्रॉ तो बना ली है रिलेशनशिप से, अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं इस तरह से कि काफ़ी दिन तक आप तो अपने हेल्थ तक का ख्याल नहीं रख पाए, इस तरह से आपको पेन तो हुआ है, ये चीज़ बता रही है। इस तरह से पेन आपको रिलेशनशिप से मिला ही मिला है, तो किया क्या है आपने, अपने इमोशनल विड्रॉ कर लिए रिलेशनशिप में और फोकस कर रहे करियर पे, फोकस कर रहे काम पे। अब आप इतना ध्यान नहीं दे रहे इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी बाउंड्रीज बना ली है। कोई अगर इमोशनली आपको बेवकूफ़ बनाता था ना पहले, तो अब ऐसा होगा नहीं आपके साथ आगे। अब समझ गए हो आप, समझदार बन गए हो। देखिए इस ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है चैरियट। मूव ऑन तो आपने कर लिया है, और या फिर हो सकता है कोई नया लव आपके लाइफ में दस्तक देगा, ये चीज़ें लग रही है। क्योंकि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था वहाँ से आपने एंड तो कर लिया है, हालांकि ये कार्ड फैमिली का बता रहा है, तो फैमिली मतलब पर्सन के साथ ही नहीं, ये अपने आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड रिलेशनशिप में भी हो, तो हो सकता है टॉक्सिसिटी ख़त्म हो के फिर से इस रिलेशनशिप में नई स्टार्ट हुई है। यहाँ पे ऐसा आपका ये भी बताता है कि अगर ये पर्सन माफ़ी मांग के आपके साथ आ रहा है, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, माफ़ी मांग के आ गया है, बट फिर भी ना उसकी माफ़ी से आप पिघल नहीं रहे, आपने फिर भी अपने बाउंड्रीज लगाई ली है, फिर भी आप ना अब अपना हर कुछ इमोशन डालने के लिए, अपने एफर्ट डालने के लिए, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली अपने एफर्ट्स डालने के लिए अब आप 100 बार सोचेंगे। बट फिर भी अगर यही पर्सन आपके साथ नई कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आप उसको अलाउ करेंगे अपने लाइफ में, बट इस बार ना बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि तो कब देखा तो मैंने लगा कि यस हो सकता है यही पर्सन, पास वाला पर्सन फिर से आ जाए अपनी गलतियाँ सुधार के। बट ये आपको अपने अपने हिसाब से लेना है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन का क्या नेचर है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या उनका बिहेवियर है, ये आपको पता है। तो उनको कहाँ तक, यहाँ पे लग ही रहा है कहाँ तक ट्रस्ट रखना है, अब इमोशन कितने डालने हैं, अब आप इतना सोचेंगे और सोचना भी चाहिए।
तो आप चैलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? तो आप चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन आपके तो डेस्टाइनी, भले आप ये मैरिड है या फिर आप अनमैरिड है और ये आप सिंगल रिलेशनशिप में है और कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, तो चैरिट अगर कहीं, और ये भी डिफाइन करता है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे थोड़ी लग रही है यहाँ पे, बट मैं कन्फर्मली नहीं बताऊँगी, बट ये पर्सन आपके डेस्टाइन है ये मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे। पेज ऑफ चैलिसेस, देखिए अगर कोई काम आपने शुरू किया है तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी स्टार्ट तो मिल रही है, सक्सेसफुली आप उस काम में भी आगे बढ़ेंगे। और अगर ये रिलेशनशिप में स्टार्ट हुई है, किसी ने आपको अप्रोच किया है और ये आपके डिस्टेंट पार्टनर है, आपको स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस पर्सन के साथ आपका अच्छा रिश्ता बन सकता है विथ अ क्लैरिटी, विथ अ क्लियर कम्युनिकेशन। ये पर्सन बड़े दिल के साफ रहेंगे, इनके दिल में कोई मैल नहीं रहेगा, जो बात है, जो बात दिल दिमाग में है वही बात इनकी ज़ुबान पे रहेंगे। ऐसे क्लियर कट पर्सन आपको मिलेंगे और स्टेबिलिटी आपको रिलेशनशिप में देंगे। अब ये बात अगर आप काम के लिए भी देख रहे, अपने जॉब के लिए देख रहे, करियर के लिए देख रहे, तो यस वहाँ पर भी जो जॉब आपने शुरू किया है, जो काम आपने शुरू किया है, वहाँ पर भी ये सक्सेस मिल रहा है। देखिए ऐसा सक्सेस की ये स्वॉर्ड से मुझे बताती है कि यहाँ पे ना कुछ कोई गलत किसी चीज़ का काम बनने वाला है ही नहीं, जैसा गलत आएगा ये उठा देगी, ये उसको सीधा कट कर देंगे। तो ये काम आपका बड़ा कॉन्फिडेंटली अच्छे से जाएगा। यहाँ पे अगेन बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटेकल, पेंटेकल्स के एनर्जी विद पेज बहुत आ रही है। हो सकता है आप अगर अपने किसी पर्सन के साथ आपने काम शुरू कर दिया है, तो ये पर्सन हो सकता है एज में आपसे छोटे हैं, या फिर ये जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहे, हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, बट इन ये थोड़ी बहुत इनमें मैच्योरिटी अच्छी है और क्लियर है, जो मतलब ऐसी दिल में एक बात, दिमाग में एक बात, करने वाली एक बात, ऐसा कुछ नहीं है, जो दिल दिमाग में वही उनके एक्शन में रहेगा। तो ऐसे पर्सन आपको आगे मिल सकते हैं। मैं देखूंगी रिलेशनशिप में आपके साथ आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ हद तक रिलेशनशिप की भी एनर्जी आई है, बट ओवरऑल एनर्जी में मैंने देखा रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट कंप्लीट हम रिलेशनशिप के लिए देखेंगे कि रिलेशनशिप में आपके साथ आगे क्या होने वाला है। देखिए प्रपोजर आपको तो मिलने वाला है भाई, कोई आपको प्रपोज करने वाला है रिलेशनशिप में, आप देखेंगे। बहुत किसी की बड़ी फास्ट एनर्जी है आपके पास आने के लिए। कौन? जिसकी आप विश फुलफिलमेंट हो, या फिर आप जैसा चाहते हैं ना वो पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है आगे। एम्परर, हो सकता है आपको जॉब में अच्छी प्रमोशन मिले, आपका अच्छा डिसिग्नेशन आपको मिले जॉब में, या फिर जो आपको मिलने वाला है वो थोड़ा एरोगेटिव रहेगा, मैनिपुलेटिव रहेगा, या फिर जो आपको मिलने वाला है वो ऑलरेडी किसी हाईली ऑथोरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, जैसे कहीं जज है, मिलिट्री में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, पब्लिक आई फिगर है, ऐसा कुछ। जी हाँ, जस्टिस आपको मिलने वाला है रिलेशनशिप में, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और जो पर्सन आपको मिलेगा ना गाइज, ये जो एम्परर की एनर्जी है ना, मतलब ये मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं, इगोस्टिक भले ही है पर्सन, बट ऐसा नहीं है कि कुछ आपके दिल दिमाग से खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे। बात करने में भले रूड है, बट जो है सो है, ऐसी एनर्जी है। अब देखते हैं रिलेशनशिप में आपके साथ क्या होने वाला है। किंग ऑफ सोर्स, ये आर्मी से रिलेटेड पर्सन मुझे लग रहे हैं, रूड रहेंगे जो आपको मिलने वाले हैं। इनको ऐसे ज़्यादा मीठी बातें करना, शुगर कोटेड बातें करना
शायद इनको अच्छा ना लगे, बट ये जो कोई भी आपको मिल रहा है, जो आप जैसा मैनिफेस्ट करते थे ना, ऐसे ही ये चीज़ है। देखिए टेम्परेंस बैलेंस बनाएंगे, और आप ऑलरेडी किस रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कि किसी कोई तो एक ही, या तो आपके पर्सन थोड़े बहुत मैनिपुलेटिव होंगे, एक दूसरे के चलते इगोइस्टिक रहेंगे, रूड रहेंगे, थोड़ा बहुत डिटैचमेंट वाली एनर्जी आप दोनों में रहे शायद, बट बैलेंस भी बनाने की एनर्जी है। और कोई न्यू आ रहा है, कोई न्यू प्रपोजल आपको आ रहा है, तो ये पर्सन की क्वालिटी ऐसी हो सकती है कि ये बात करने में थोड़ा रूड है, मैनिपुलेटिव है, इगोइस्टिक है, हाईली अथॉरिटी पोजिशन पर है, बट ये पर्सन आपके डेस्टाइन है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है गाइज, यहाँ पे किंग की एनर्जी आई है, तो ये बिल्कुल स्टेबल, मैच्योर और कंप्लीट पर्सन रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। एस ऑफ सोर्ड, बात करने में बड़े क्लियर कट रहेंगे, क्लियरिटी देना इनको पसंद है। या फिर अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसके चलते कुछ टेम्पररी आप दोनों में सेपरेशन था, तो मुझे लग रहा है आगे चलकर ये सॉर्ट होते हुए दिख रहा है। ये पर्सन आपको देखिए कम्युनिकेट करेंगे, या आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ मिलेंगे, प्रपोज भी करेंगे, शायद आपके दिल की तमन्ना पूरी हो। बट ये इनका अगर ऑलरेडी नेचर ही ऐसा है कि थोड़ी रूड बात करना, मैनिपुलेटिव करना, ईगो में रहना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, तो ये रहेगा, बट बैलेंस भी इस रिलेशनशिप में बनते हुए मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपके डेस्टाइन है, बार बार आ रहा है, जजमेंट की एनर्जी भी आ रही है गाइज यहाँ पे, तो डिवाइन टाइम पे आप शायद डिवाइन पे भरोसा भी बहुत करते हैं, डिवाइन टाइम पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ते, और वो करना भी चाहिए जो सही भी है। फाइव ऑफ पेंटेकल्स किसी चीज़ को लेके ना स्ट्रगल है, और मुझे ज़्यादातर मनी के लिए लग रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा जिसमें शायद काफ़ी उलझे रहेंगे। अभी रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी तो हो सकता है आप इस पर्सन का टाइम मांगे, पर्सन टाइम ना दे, हो सकता है ये आप चाहते इस पर्सन के साथ कहीं घूमना, टाइम स्पेंड करना, बट ये इस अगर ये पर्सन एक अथॉरिटी पोजिशन पर है ना, तो अपने काम के चलते इस पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है कि जो आपको इतना टाइम दे, तो इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप अकेले हैं, आप अलोन हैं, आपको किसी का साथ नहीं मिल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं गाइस। देखिए यहाँ पे एनर्जी एक्शन की भी आई है, प्रपोज करने की भी आई है, विश फुलफिलमेंट की आई है, डिस्टेंट पार्टनर है, तो रिलेशनशिप में मुझे अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और आप दोनों के रिलेशनशिप में भले कितना ही ईगो रहे, एंगर रहे, मैनिपुलेशन रहे, रूड बिहेवियर रहे, बट बैलेंस भी इस रिलेशनशिप में है। कुछ चीज़ें आगे चलकर छिपाई नहीं रहेंगी, आपसे छिपी नहीं रहेंगे। जस्टिस आ रहे हैं, ये पर्सन जिन्होंने अगर कुछ गलत आपके साथ किया है तो आपको न्याय देने के लिए पर्सन आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी आई है, तो ये लिब्रा की एनर्जी बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एस ऑफ कप, नए प्यार की नई शुरुआत, यही इसी पर्सन के साथ हो सकता है नई शुरुआत, नहीं तो सच में कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, आपको प्रपोज करेगा, लव प्रपोजल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंटली एक्शन लेंगे ये पर्सन आपके साथ, आपको एक्शन तो ले रहे ये पर्सन और आ भी रहे हैं आपके साथ, आपके पास आ रहे हैं गाइस। हो सकता है ये ऑलरेडी आप इनसे मैरिड हैं, और इनका नेचर बहुत कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव है, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हैं, नहीं तो इस पर्सन के साथ आपकी शादी आगे होते हुए मुझे दिख रही है। मैंने बोला था कि चैरिट का कार्ड देख कि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा, तो यहाँ पे लग रहा है हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम है। देखिए मून की एनर्जी आई है, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है मून, तो अगर कुछ सीक्रेट्स इस पर्सन ने आपसे छुपाई थी, कुछ अनजस्टिस आपके साथ किया था, तो अब यही पर्सन आपको न्याय देंगे इस रिलेशनशिप में। चीज़ें छुपाई क्यों गई थी, इसका क्लियर कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, और बैलेंस बनाने की खुद ये पर्सन भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे। किंग ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटेकल्स, मैंने बोला कि ये पर्सन ऑलरेडी
कहीं अगर अथॉरिटी पोजीशन पे है तो हो सकता है वर्कलोड उन पे बढ़ेगा और उनको शायद वहाँ पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना पड़े। बट बावजूद इसके ये पर्सन रिलेशनशिप में भी उतना ही अपना शेयर, उतना ही अपना टाइम, उतना ही अपना कंट्रीब्यूशन देंगे गाइस इस रिलेशनशिप में। भले ही रूड है, भले ही इन्होंने डिटैच कर दिया है, बट आगे ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए टेम्परेंस का कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्स। हो सकता है, मैंने बोला है कि आप दोनों में हो सकता है टेम्पररी सेपरेशन चल रहा था, तो अब वो ख़त्म होगा क्योंकि अब बैलेंस बनाने की एनर्जी आ रही है इस सेपरेशन को। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियर देखिए गाइस, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो इस एनर्जी में एम्परर एम्प्रेस दोनों आए हैं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट तो डेफिनेटली है, आप डेस्टाइन है और आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। अब ये स्टोरी लगभग मेरी क्लियर हो चुकी है क्योंकि ये जो कार्ड है ना एम्परर एंड देन एम्प्रेस देन फोर ऑफ वैंड्स एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये स्टोरी यही बता रही है कि यह आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो और आप दोनों या तो एक दूसरे से मैरिड हैं, नहीं तो आप दोनों का मैरिज डेस्टाइन है, डेस्टिनी ने लिखा है और ये आगे होके रहेगा। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? देखिए अगर दो सिचुएशन थी, कंफ्यूजन था दो सिचुएशन में, अब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे आपके पर्सन और एक सॉल्यूशन निकाल के आपके पास आएंगे। इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी दो सिचुएशन थी, जैसे थर्ड पार्टी की एनर्जी तो नहीं आई है बट दो सिचुएशन थी जहाँ पे कंफ्यूजन था, बट वहाँ से ये पर्सन अपने आप के लिए एक सॉल्यूशन निकालते हुए आ रहे हैं आपके पास। ये कन्फ्यूजन, ये दो दो जगह पर जगलिंग करने वाली एनर्जी को लगभग ख़त्म ही कर देंगे ये पर्सन। जजमेंट, यस, अब इसको किस किस ने क्लेरिफाई किया है देखिए, जजमेंट को क्लेरिफाई करा है टेन ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स एंड देन नाइन ऑफ पेंटेकल्स। चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, बिट्रे हुआ है, सब कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है। अब आ चुके हैं आप किस एनर्जी में, आप आ चुके हैं सेल्फ लव की एनर्जी में, और जैसे आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के एनर्जी में हो चुका है। आपने चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे, आपने चीज़ें छोड़ दी डेस्टिनी पे, उनको जो अच्छा लगे वो करेगा। हमने बहुत धोखे सह लिए, हमारे साथ बहुत चीटिंग हो गई, अब हम खुद पे काम करेंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे। ये एनर्जी आपकी लग रही है, ये आपके साथ हो रहा है और ये अच्छी एनर्जी, अगर ये सारी चीज़ें हुई है और इसके बाद ट्रांसफॉर्म होकर आप सेल्फ लव में आते हैं और सरेंडर भी करते हैं डिवाइन पे, तो सबसे बेटर और सबसे बेस्ट एनर्जी ये है। फाइव ऑफ कप एंड देन फाइव ऑफ, यहाँ पे अगेन फाइव की एनर्जी बहुत आई है गाइस। तो मुझे लगता है देखिए इतना सब कुछ कर रहे हैं बट अब तक आपके पर्सन, या फिर आगे भी हो सकता है फ्यूचर में कुछ दिनों तक ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, तो तब तक हो सकता है थोड़ी मिसिंग वाली एनर्जी आपकी रहेंगे, लगेगा आपको कि आपने इतना सब कुछ कर लिया बट आपको वो नहीं मिल रहा है। हालांकि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है, मिलेगा, बट आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। आप बनाएंगे बट बीच बीच में ना आप थोड़े डगमगा जाते हैं कि इतना अच्छा बैलेंस बनाने के बाद सडनली एक दिन कुछ तो हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है और आप कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसे एनर्जी होती है जहाँ पे आपको लगता है कि आप अलोन हैं, आप अकेले पड़ चुके हैं, आपके साथ बहुत धोखे हो चुके हैं, गलत हो चुका है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे। इस एनर्जी में आप आगे भी बीच बीच में आते हुए दिख रहे हैं। पर्सन मिल भी जाएगा, पर्सन आपके साथ सब कुछ करेगा, बट फिर भी अगर आपकी ऐसी एनर्जी रहती है तो वो आपको पास का एरिया या पास में आपके साथ जो कुछ हुआ था ना, कि मैं कितना अकेले पड़ गई थी, मैं कितना मिस करती थी, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा था, मैंने कैसे कैसे दिन निकाले, तो ये जो विक्टिम मेंटेलिटी ना, ये हो सकता है आपके ऐसे एनर्जी लाए। मैं इतना ही बोलूँगी गाइज, अगर अच्छा हो रहा है तो पास की बातें न लाना ही ठीक है। हाँ, अगर धोखे हुए तो आपको चौकन्ना रहना है, आपको सचेत रहना है, बाउंड्री डालना भी ठीक है खुद के ऊपर, खुद को प्रोटेक्ट करना भी अच्छी बात है। तो यहाँ तक सारी बातें ठीक है, बट देखिए प्यार में बहना और अंधा होके बहना दो अलग
चीज़ें हैं। बहना अच्छी बात है, क्योंकि बहते बहते हमें अगर पता है कि हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, तो फिर भी उम्मीद रहती है खुद को बचाने की। बट अंधे होके जब हम डूबते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब मर रहे और हमारा कब एंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ करें आप सचेत होकर ही करें, खुद की सुरक्षा खुद के हाथ ही होती है, आप इसका ध्यान रखें। तो आपके रिलेशनशिप में भी बड़ा अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है गाइस, बड़ी अच्छी एनर्जी आपकी आई है, ओवरऑल भी आई है और रिलेशनशिप के लिए भी आई है। मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल गाइडेंस के तौर पर ही लेना है, ओपन माइंडेड होके सुनना है आपको। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो हो सकता है एनर्जी आपके लिए नहीं थी। अबेंडेंस आपको आती हुई दिख रहा है गाइस, आपके लाइफ में तो अबेंडेंस है। हाँ, अगर कोई चीज़ें आपको बॉदर कर रही है तो उनको लेट गो करना है। किसी चीज़ को लेके आपके दिल में शक है तो और इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। यस, थोड़ा बहुत चैरिटी करें, आप लोगों की मदद कीजिए। कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं गाइस, वो रिमूव हो जाते हैं। ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। और किसी एक को आपने एक बिस्किट का पुड़ा तक आपने दे दिया, बस वो भी चैरिटी में ही हो जाती है गाइस। किसी गरीब अगर कोई भूखा है उसको आपने कुछ खाने के लिए दिए 10-20 रुपए का, तो वो भी चैरिटी होती है। आप लोगों की मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए, अपने काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। तो ये थी गाइस आपके लिए रीडिंग। यस, बॉटम ऑफ द डे का मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी आनी चाहिए थी फॉरगिवनेस, अपनी ओर से मैं बोलती हूँ, अगर विक्टिम मेंटेलिटी में आप आगे रहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना है। और अगर आपसे कोई हर्ट हुआ है तो आपको उनके सोच से माफ़ी मांगनी है। मेडिटेशन डेफिनेटली करना है गाइस, हर चीज़ का सोल्यूशन मेडिटेशन में छुपा हुआ रहता है। तो आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये थी गाइस मेरी आज की रीडिंग। आज रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको इसी तरह से अपना प्यार देना है, लाइक करना है, रीडिंग को क्लेम करना है। और मुझे जुड़ने के लिए गाइस, पहले दिन से जो लोग जुड़े हैं, अभी भी जो लोग जुड़ रहे हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम इन अवर फैमिलीज। आप सभी लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।